भारत दे विच दिवाली दा ए त्योहार सब धर्मां दे लोकां वल्लों बड़े ही जोश ते उत्साह दे नाल मनाया जांदा है। सिख धर्म अंदर दिवाली नूं बंदी छोड़ दिवस वजो मनाया जांदा है। सिख इतिहास अनुसार इस दिन सिखां दे छेवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ग्वालियर दे किले दे विचों रिहा होके श्री दरबार साहिब परते सन। गुरु साहिब दे वल्लों 52 राज्यां नूं भी अपने नाल रिहा करवाया गया। गुरु साहिब दे रिहा होके श्री दरबार साहिब पहुंचण दी खुशी दे विच सिखां ने रोशनियां करके दिवाली मनाई। ते हिंदू धर्म अनुसार इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्यां दा वनवास कट के रावण नूं हरा के वापस अयोध्या परते। लोकां वल्लों उनां दी वापसी खुशी दे नाल घरां दे विच मनाई जांदी है। घरां दे बनेरियां ते दीवे बाल के मनाई जांदी है। दिवाली दा शाब्दिक अर्थ दीवियां वाली भाव की रोशनियां दा त्यौहार है। इस दिन घरां दे बनेरियां ते बूहियां ते कीतियां गईयां रोशनाइयां आला दुआला हमेशा जगमगाउंदा होया नजर आउंदा है। ते देश भर दे विच जिहड़ियां दिवाली दीआं रौनकां ने ओह देखण नूं मिल रहीआं ने। तस्वीरां वखो वख तुहाडी टीवी स्क्रीन ते अमृतसर चंडीगढ़ अयोध्या ते फरीदकोट वखो वखे नजारे वखो वखे तस्वीरां मंजर जो है ओह वखो वख हो सकदा है, पर इह रौनकां इह खुशी इह नजारा जाहिर तौर ते इस वेले इक्को ही पूरे भारत दे विच नजर आ रिहा है। तुहानूं दस दईए अयोध्या दे विच जिहड़ा दीवे बालन दा एक रिकॉर्ड जिहड़ा नवां बणिआ 12 लख अयोध्या दे विच दीवे जगाए गए। अयोध्या जगमग कर उठिआ ते दिवाली दी धूम जिहड़ी है ओह पूरे भारत दे विच दिखाई दे रही है। बाजारां दे विच रौनकां लगियां होईयां ने। लोक जो ने अपने घरां दे लई समान खरीद रहे ने ते इसे तरह दा नजारा दरबार साहब विच वी नजर आ रिहा। आज दिवाली का दिन है और ऐसा है कि आज के दिन छेवें पातशाह हरगोबिंद साहिब जी ग्वालियर के किले से रिहा हुए थे और उनके साथ 52 राजे जो है वो रिहा हुए थे। कैसे आज गोल्डन टेंपल की दिवाली को तैयार कैसे सजाया गया, कैसे मनाया जाता है? बहुत अच्छा सजाया गया है जी, बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रबंध किए हुए हैं इन्होंने। हाँ जी, रात को आतिशबाजी होगी। हम परिवार के साथ आए हैं, यहाँ पे माथा टेका, स्नान किया और रात को आतिशबाजी देखेंगे। ये दिन सिखों के 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने 52 राजाओं के साथ ग्वालियर के किले से रिहा होकर आए थे और उनके आने की खुशी में लोगों ने अपने घरों में दीप माला की। ये वही दिन है जिसको हम हमारी सिख कौम बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाती है। आज यहाँ अमृतसर में देश विदेश से जो संगत आई है वो दीपावली के इस शुभ दिन पर आज यहाँ नतमस्तक होकर गुरु महाराज से उनका आशीर्वाद लेने के लिए आई हैं। ते इसे ते साडे सहयोगी वखो वख थावां तों साडे नाल जुड़ चुके ने। साडे नाल साडे सहयोगी साक्षी भी जुड़े ने ते बजम भी साडे नाल जुड़ चुके ने। साक्षी तुहाडे कोल आऊंगी, पहलां तुहाडे पाले पासे किस तरह दीआं रौनकां लगियां होईआं ने, किस तरह दा नजारा ते किस तरह इस वेले लोक बाजारां दे विच मुहवा के पहुंच रहे ने, इह तमाम तस्वीरां जानना चाहांगे। जी बिल्कुल अमृता, सबसे पहले तो आपको और सभी जी मीडिया के दर्शकों को भी दीपावली की शुभकामनाएं, क्योंकि हिंदू मान्यता में सबसे बड़ा त्यौहार जो होता है ये मनाया जाता है और बाजारों में इस दौरान जो रौनक है, जो उत्साह है, जोश है वो देखते ही बनता है। इस वक्त हम लोग पंचकुला में मौजूद हैं और पंचकुला की मार्केट्स में क्या नज़ारा है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए दीपावली पर जिस तरह मिट्टी के दियों की जो मान्यता है वो कहीं ना कहीं मानी जाती है और इसीलिए आप देखिए कि मिट्टी के जो दिए हैं उनकी भरमार है मार्केट्स में और लोग जो है अब भी परचेसिंग कर रहे हैं और मार्केट्स में आए हुए हैं। मैम दीपावली है, आपको सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली, और आप शॉपिंग कर रहे हैं, दिए खरीद रहे हैं और क्या क्या, कितना जोश है, उत्साह है दिवाली के लिए? बहुत उत्साह है और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और हिंदू लोग इसको बड़े उत्साह से मनाते हैं और बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म है सभी में। जी मैम, अब चाइनीज़ आइटम्स के बजाय जो मिट्टी के दिए हैं उन्हें प्रेफर कर रहे हैं? इन्हीं को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि चाइनीज़ आइटम्स से तो इतना ज़्यादा ना तो रोशनी होती है ना इतना अच्छा लगता है, बट ये मिट्टी के जो दीवे हैं ये बहुत अच्छे हैं और हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। तो मिट्टी के दिए हमारी संस्कृति को भी प्रदर्शित करते हैं। दियों के साथ साथ ही फूलमालाओं की बात कर लें, लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं की बात कर लें और भी घर को जो सजाने वाली चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को लेकर बात कर लें, तो हर चीज़ की जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ हैं वो मार्केट्स में मौजूद हैं। कुछ और भी लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम दीपावली को लेकर शॉपिंग कर रहे हैं, क्या कुछ खरीद लिया है अब तक? हमने बहुत कुछ खरीद लिया अभी तक, तो हमने जैसे घर की डेकोरेशन का सामान ले लिया है और बहुत कुछ जैसे
मिठाई अभी लेंगे हम लोग और सबको हैप्पी दिवाली। तो सभी लोग एक दूसरे को हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं और कई सारे कलरफुल दिए हैं, अलग अलग तरह के दिए हैं जो जोत लोग अपने घरों में दीपावली के दिन जगाते हैं, पूजा करते हैं। कुछ और भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ही ये पूछना चाहेंगे, मैम दीपावली के लिए किस तरह, क्योंकि कोविड के बाद लंबे टाइम के बाद फिर से एक बार दिवाली की जो रौनक है वो मार्केट्स में नज़र आ रही है, कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं, अब सड़कों में लोग आ चुके हैं और ऐसे वो जो दो तीन साल से बहुत बुरा हो रहा था, लोग काफी लाइफ की भी प्रॉपर्टी और उसकी भी हार्म हुआ, तो अच्छा लग रहा है। मैम कोविड कम हो गया लेकिन अच्छी बात है कि अपनी सुरक्षा हमें खुद ही करनी है, इसलिए आप देख रहे हैं कि मास्क लगाया हुआ है आपकी फैमिली, हालांकि बहुत सारे लोगों ने नहीं भी लगाए हुए लेकिन आप प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं। हाँ जी, और मुझे लगता है कि जब हम क्राउडेड एरिया में जाते हैं तो अभी भी हमें मास्क पहन के जाना चाहिए ताकि हम जो थोड़ा बहुत केसेस आ रहे हैं वो भी खत्म होंगे। जी हाँ जी, तो मास्क लेकर आना चाहिए। सर आपसे भी बात करना चाहेंगे, दीपावली को लेकर कितने जोश है, उत्साह है, क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा त्यौहार है, मनाया जाता है। हाँ जी ऑब्वियसली, क्योंकि अब इंडिया में रहकर दीपावली जब पिछली बार मनाई थी तो इतना नहीं मनाया जा रहा था तो दुख तो लगा था, अब देख के अच्छा लग रहा है, लोग घरों से बाहर आए हैं, स्ट्रीट्स भरी हुई है, इंडिया वापस इंडिया जैसा लग रहा है, पॉपुलेशन लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है, रंग बिरंगा लग रहा है, इंडिया वापस इंडिया लग रही है, इसकी जो कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं भरी हुई है, रंग बिरंगी है। और आप जो नज़ारा है मार्केट्स का देखिए, आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा रही हूँ, जो शॉप्स हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग आइटम्स से दिवाली का जो सामान है उससे भरी हुई है। इस वक्त आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो लैंप्स हैं जो अपने घरों में लगाए जाते हैं, माना जाता है कि अगर घर को सुंदर साफ सफाई करके सजाया जाए तो, क्योंकि दिवाली पर खासतौर से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और माना जाता है कि जितना सुंदर घर होता है, घर के आगे अगर रंगोली बनी होती है, लाइट से जगमग हो रहा होता है, तो माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो घरों पर बनी हुई नजर आती है। और इसीलिए जो है लोग तरह तरह की अलग अलग चीजों से जो अपने घर है उनको सजाते हैं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं जिनके हैंगिंग्स यहाँ पर मौजूद है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की कैंडल्स हैं। हालांकि हमने खरीदारों से तो बात की, कुछ दुकानदारों से भी बात कर लेते हैं, कैसी दिवाली रही है इस बार आपकी, कैसी मंदी तो नहीं रही, कैसा रहा? ठीक रही है। हाँ। और तकरीबन हमने सारी मैडम इंडियन आइटम ही बेची है। हाँ। चाइनीज आइटम नहीं बेची है। हाँ। हाँ जी ठीक रही है। लोगों ने भी आके आपसे स्पेशल डिमांड की है कि इंडियन आइटम? यस यस मैम, एक दो आइटम थी चाइनीज वो लोगों ने ली नहीं हमारे। हाँ। से इंडियन आइटम बेची है। दो साल से कहीं ना कहीं दिवाली जो है थोड़ी फीकी जा रही थी, इस बार कैसी है? अब ठीक है, ठीक रही मैडम। ठीक रही। हाँ जी, तो देख सकते हैं आपकी दुकान जी, महंगाई जरूर है फिर आगे थोड़ा हम भी महंगा बेच रहे हैं मैडम, लेकिन ठीक रही। तो आप देख सकते हैं अमृता की महंगाई जरूर है लेकिन मार्केट्स का जो रुख है वो लोग जरूर कर रहे हैं और जो दुकानदार तो खुश हैं ही हैं, क्योंकि दो साल के बाद जो दिवाली फीकी जा रही थी वो इस बार कहीं ना कहीं थोड़ी ठीक रही है, मिठास घुली है और लोग भी मार्केट्स में निकल रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो दिवाली मार्केट्स में जो रौनक है वो भी कहीं ना कहीं बनी हुई है, सामान की वैरायटी भी बहुत सारी मौजूद है। आप देख सकते हैं माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमाएं भी हैं, इसी के साथ जो हमारे सिख धर्म के गुरु हैं उनकी भी प्रतिमाएं मौजूद है, जिस तरह हम थोड़ी देर पहले दर्शकों को बता रहे थे कि ये दो खास वजह होती है जिनकी वजह से दीपावली का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है, तो उनकी प्रतिमाएं भी मार्केट में, पूजा की सामग्री से लेके घर को सजाने तक की सामग्री, दिए और ये तमाम चीजें, क्योंकि इस दौरान दीपावली पर लोग सजना संवरना भी पसंद करते हैं, नए कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो देखिए नए कपड़ों की भी देख पा रहे हैं कि जिहड़ियां दीवाली दीआं रौनकां ने बाजार दे विच काफी दिखाई दे रहे ने, बाजार सजे हुए ने, लोग भी जिहड़े ने खूब खरीदारी भी कर रहे हैं। जो कि बजम वर्मा जुड़े ने, तो जान लेने ग्राउंड जीरो का हाल के किनिया रौनकां ने, क्योंकि पिछले साल कोविड के कारण दिवाली फिकी पई सी, इस बार कोविड के केस घटे ने, किन्ने क जिहड़ी है बाजारां दे विच रौनक परती है जी बजम? बिल्कुल, जिन्नी रौनक पिछले साल होनी चाहिए सी और शायद वो रौनक भी इस साल पूरी हो गई है, क्योंकि दो गुणा रौनक हो गई है इस वक्त, दो गुणा क्या है क्योंकि सैक्टर 22 चा सी तस्वीरां तुसी सैक्टर 22 दियां देख सकते हो, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ दियां लग रहा है, देखो तुसी तस्वीरां, खुशी देख रहे हो तुसी, खुशी किन्नी है, दोबारा भंगड़ा पा दो एक बार तस्वीरां तुसी देख सकते हो, पर नाल दे नाल सारे जिहड़ा है वह क्योंकि मेला लग्या हुआ है पूरे तरीके नाल, सैक्टर 22 च मेला लग्या हुआ है, हर पासे सेल, हर पासे जिहड़े है वह लोग अपने परिवारां नाल, हर वर्ग के बच्चे बुढ़े जवान हर कोई जिहड़ा है इत्थे
पहुंचे है, दोस्त भी पहुंचे ने, कोई खान पीन कौन पहुंचे है, कोई अपने परिवार नाल पहुंचे, कोई शॉपिंग करन पहुंचे, कोई दोस्तां रिश्तेदारों जिहड़ा है वो समान जिहड़ा है अगे गिफ्ट देन पहुंचे ने। तस्वीरां थोड़े सामने ने, क्योंकि सैक्टर 22 कहा जाता है, जे कपड़ियां लई गल की जाए, खाने पीने लई गल की जाए, या फिर यूथ लई गल की जाए, काफ़ी फेमस जिहड़ा है वो एरिया यह रहिंदा। तो असीं इस वक्त शास्त्री मार्केट दे जिहड़े है वो कोल आ, ते इत्थे जिन्ना पूरा सैक्टर जिहड़ा है सैक्टर 22 पूरा जिहड़ा है वो अज जिन्हें भी लोग ने टूरिस्ट कह सकते हो, चंडीगढ़ वासी कह सकते हो, मोहाली वासी, पंचकूला वासी, हर कोई जिहड़ा है वो अज पहुंचे इत्थे, तां कितना कितने जिहड़ी खुशी पिछले साल रह गई सी वह खुशी इस बार दोगुणी होकर जिहड़ी आ वो दोबारा तो देखने मिल रही है। तो नाल दे नाल क्योंकि बड़े सारे लोग ने इत्थे, कोई झुमके देख रहे, कोई कुछ देख रहे हैं, हर कोई जिहड़ा है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जिहड़ी पिछली बार दिवाली रह गई वो इस बार दोगुणी बनाई जाए। पर नाल दे नाल तुहानू दस दईए, यह सिर्फ इस सैक्टर 22 का हाल नहीं है, बल्कि इस तरीके की खुशी जी है वो हर सैक्टर देखने को मिल रही है। जी सैक्टर 17 का रुख किया, उत्थे भी इस तरीके जिहड़ा है वो लोगों च उत्साह, लोगों च एक्साइटमेंट, लोगों च जिहड़ा है वो एक फेस्टिव सीजन का अपने आप च एक वाइब आती है वो देखने को मिली। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਈਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਸੈਕਟਰ 22 ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਤਮਾਮ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਮੀਖਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ? बिल्कुल देखिए, भारत पूरे विश्व में अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है और दीपावली का जो त्यौहार है वो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस वक्त राजधानी शिमला के लोअर बाजार की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, लोग जो है खरीदारी करने पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं जिस तरह से बाजारों को सजाया गया है। एक मेला जो है वो ये दीपावली के समय पे लगता है, काफी लोग जो है यहाँ पर शॉपिंग करने, अपने सामान के लिए लेने के लिए आए हैं और जिस तरह से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा जो है वो की जाती है उसके लिए मार्केटों में पूरी तरह से सज चुकी है। यहाँ पर जो लोग बाजारों में उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोरोना के लंबे टाइम के बाद जो है इस साल दीपावली थोड़ी सी अलग जो है वो नजर आ रही है। कुछ प्रतिबंध जो है वो प्रशासन की ओर से हटाए गए हैं। सर, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, जिस तरह से दीपावली का त्यौहार है और कोरोना हालांकि अभी तक गया नहीं है, तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए मैम, इस बार जो त्यौहार है बात करें, बहुत सारे बच्चे थे, तीन जो है खरीदारी करने के लिए इतनी संख्या में नहीं पहुँच पा रहे थे, बहुत सारे परेशानियों का सामना कर रहा था। लेकिन इस बार जो मामले कम है, तो किसी के लोगों के अंदर उत्साह भी है और जो है लोग खरीदारी के लिए फिलहाल बाजारों के अंदर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महंगाई से फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन दीपावली के अवसर पर लोग जो है खरीदारी करने के लिए फिलहाल जो है बाजारों का जी बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं जी। इस तरह से लोगों का भी कहना है कि दीपावली को लेकर पूरा जोश जो है वो लोगों में दिख रहा है और भी कुछ लोग इस वक्त में खरीदारी करने पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, दीपावली का समय है और किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना का भी खतरा हालांकि टला नहीं है, लेकिन कुछ रियायतें जो है वो दी गई है? देखिए, हमारे देश के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, हालांकि इस बार जो है रिलैक्सेशन भी है, इसके बावजूद इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जिस आधार पे सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, और दूसरा तो आज जिस आधार पे आज महंगाई जो देश के अंदर हो रही है, उस महंगाई के चलते लोग जो अपने जो फेस्टिवल है उनको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यही है खासतौर पर कि सरकार को उन सब चीजों के अंदर सरकार को रियायत देनी चाहिए, ताकि जाके जो लोग हैं, लेकिन हिंदू धर्म का बहुत बड़ा जी जी समीक्षा से देख पा रहे हैं कि बाजारों के खासिया रौनक दिखाई दे रही है, लोगों के खासा उत्साह जोड़ा है वो बनिया। साढ़े सहयोगी मोगा तो नवदीप जुड़ गए जी। नवदीप, किवें दी रौनक ने मोगा शहर के दिवाली दिया, किन्ने के जड़े बाजार ने सजे हुए ने? बिल्कुल अनु, पहले थानू अमृता सारे दर्शकों दिवाली दहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल बाजारा भी देख सकते हो किस तरह दूर दूर तक जिथे भी निगाह जाती है बाजारा रौनक ही रौनक दिखने मिल रही ने। काफी रश जोड़ा एक कह सकते हैं कि कोरोना तो बाद एक पहला त्यौहार है जो बड़ी खुशी ना मनाया जाता है, मनाया जा रहा है। एक त्यौहार मैम बच्चे ना आए हो, की कहना चाहोगे दिवाली कोरोना तो बाद पहला त्यौहार? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद इतनी रौनक देखने को मिल रही है बाजारों में, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। क्या मैसेज क्या देना चाहोगे मैम? बस स्टे सेफ एंड थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है,
चाहे इतना ज्यादा नहीं हो रहा है बट स्टिल स्टे सेफ एंड बी हैप्पी ऑन दिस ओकेजन ऑफ दिवाली। मैम हैप्पी दिवाली आपको। मैं देखना चाहता एक बार किस तरह जो बाजार रौनक अमृता अनु देख सकते हो तुम जिहड़ियां मिठाई दी शॉप्स ने अलग तरह के पकवान जिहड़े ने वह लैन लई जिहड़ियां दुकानां ते रश जिहड़ा है देख सकते हो किस तरह जिहड़ा रश इस बाजार विच देखण नूं मिल रहा है। साफ तौर पर तस्वीरां देख सकते हो। होर भी गल करन दी कोशिश करांगे इत्थे जिहड़े खरीददार ने दुकानदार ने जां जिहड़े इत्थे खरीदण आए ने उहनां नाल गल करांगे कि की कहना उहनां दा पहली दिवाली आ कोरोना तों बाद ते किस तरह देखदे ने किस तरह दी शॉपिंग जिहड़ी है इहनां वल्लों कीती जा रही है की कहना चाहोगे पहली दिवाली आ। दिवाली कोरोना तो बाद जिवें कि कोरोना काल तो बाद जिहड़ी दिवाली शौन दे विच इन्नी रौनक नहीं सी पर अज रौनक ज्यादा है क्योंकि अज हुण सारा देश खुल चुका वा ते कोरोना भी हुण महामारी घट हो चुकी है इस करके लोग खरीददारी कर रहे हैं ते आपदे आपदे यारां दोस्तां नूं मिल रहे हैं ते इक दूजे नूं मिठाईआं दे रहे हैं। बिल्कुल रौनकां पूरीआं ने ते इक वारी जी मीडिया भी अपील करूगा कि इको फ्रेंडली दिवाली प्रदूषण रहित दिवाली जरूर मनाओ। जी बिल्कुल इको फ्रेंडली होवे दिवाली। दिवाली तमाम तरह के जो साडे अंदर इनर पोल्यूशन है उस तो भी रहत होवे तमाम चीजां नूं खत्म करदिआं होइआं असी प्यार मुहब्बत भाईचारा ते तमाम इन्हां चीजां नूं एक बार फिर तो उजागर कर पाईए इस त्यौहार दे नाल ते बलदी हर लोह दे नाल। बजम तुहाडे कोल आऊंगी तस्वीरां तुसीं विखाईआं इस तो पहलां लोक मौजूद ने वड्डी गिणती दे विच तुहाडे आले पासे गलबात संभव है। कोशिश करदे आं बिल्कुल अमृता गलबात करन दी। मैम आप यहीं से हैं चंडीगढ़ से लोकल या दिवाली के लिए वैसे घूमने आए हैं? दिवाली के लिए घूमने आए हैं। शॉपिंग करने आए हैं सर? सर कैसा लग रहा है बाईस में पहले ऐसी रौनक होती है? हाँ जी थोड़ी कम है लेकिन आज थोड़ी कम है रौनक। आपका नाम क्या है? शिल्पा। शिल्पा पिछले साल की बात करें उसके कंपैरिजन में इस बार लग रहा है आपको कम है? कम है इस बार कम है या उल्टा बोल गए शायद पिछली बार कोरोना था? नहीं बोल रही हूँ अभी शायद टाइम थोड़ा कम एक बज रहा है तो शायद रौनक इस टाइम कम है शाम के टाइम ज्यादा हो। समय की बात कर रही है मैं साल की बात कर रहा हूँ। ओके और क्या लगता है आपको रौनक इसी तरीके से बढ़ती रहेगी? और हाँ जी चलिए आपको भी दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और क्योंकि तस्वीरें भी देख सकते हो जो यूथ है वो पहुंचे ने इतने शॉपिंग करने लिए पहुंचे ने पर नाल भी कह रहे हैं टाइम लिमिट एक बजे घट है पर शाम नू जड़ी है रौनक होर हो जाएगी यानी सारे नू पता है रेगुलर कस्टमर ने इतने दे उन्हें पता है किन्ने बजे तो लगे किन्ने बजे तक जी रौनक बढ़ जाती है क्योंकि शाम का समय होंगे तो यह भी देखा गया कि सैक्टर 22 हमेशा तो जो है रौनकदार रहा है पर क्योंकि दिवाली आज का पूरा मेला जो कह सकते हैं पूरा वड्डा मेला जो है वह सजा हुआ है हर पास जो है वह शॉपिंग कर रहे हैं लोग हर कोई पहुँच रहे हैं परिवारों नाल पर नाल दे नाल कपड़िया तो लैके खाण पीन नू लैके हर चीज जिहड़ी है इत्थे जिहड़ी अज मिल रही है तो इस करके शायद परिवार वाले मैं एक छोटा जिहा परिवार जरूर कहूँ मैं कैमरे मैन पिछे दिखाए कि इस तरीके नाल जिहड़ा है वो लोग पहुँच रहे हैं। सर तुसी कित्थों पहुँचे हो? तुसी चंडीगढ़ दे रहण वाले हो? असीं मोहाली दे रहण वाले हां। मोहाली दे परिवार नाल? परिवार नाल पहुँच रहे हो? हाँ जी परिवार नाल। पिछले साल की गल करिए इस साल की गल करिए लगता है इस बार दिवाली दी रौनक वधिया ने? हाँ अगे ना इस साल रौनक वधिया पिछली साल तो ऐदा ही रही फिक्की जी इस साल रौनक है सो चंगी लग रही है। पिछली बार फिक्की सी इस बार मिठिया ने? इस बार मिठिया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तुसी तुसी थोड़ा की नाम है? मनप्रीत कौर। मनप्रीत जी गल करिए क्योंकि असीं सैक्टर 22 नूं देखते हैं हमेशा तो देखते आए हैं काफी रौनक रहिंदी है इत्थे पर इस बार लग रहा है कि शायद हर वर्ग का व्यक्ति पहुंच रहे इत्थे बच्चे भी बूढ़े भी जवान भी थोड़ी भी पूरे फैमिली से सीख रहे हैं यंग ब्लड भी ने मदर भी ने हर कोई पहुंच रहे हैं। इवन देखिए मार्केट काफी रौनक लगी हुई है छोटा वड्डा सारी ही हो रहे ते पहले नालों तो मतलब बढ़िया है कि ना दिवाली लग रही है कि हाँ की दिवाली है पिछली बार तो सुखी सुखी लंघ गई सुखी सुखी लंघ गई सी दिवाली पर इस बार रौनकां पूरियां ने फिक्की लंघ गई सी पर इस बार मिठी है पर नाल दे नाल जिस तरीके नाल जिहड़ा है वह दिवाली का समा आ रहा है कितना कितने शाम तक ये जिहड़ी है रौनक तीन गुणा होर हो जाएगी। जी अमृता जी वजम असीं देख पा रहे हैं कि लोग जिहड़े ने ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਜੇਕਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੁਝ ਬਾਹਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ? चलो साक्षी दे नाल भी गलबात कीती ते होर तमाम थावां तों भी हालचाल जाणिया वखो वख बाजारां दा रुख कीता वखो वख थावां ते साडे सहयोगी जो मौजूद रहे उन्हां ने हर हाल हर रोशनाई हर रौनक ते हर मिठास इस कैमरे राहीं साडे दर्शकां तक पहुंचाउण दी भी कोशिश कीती।
सो ये रौनकां तुसी वेखियां ते ये रोशनाई तुसी वेखी, ये मिठास तुसी महसूस कीती होएगी ते त्योहारां दी ये खुशबू भी तुसी जरूर ही इसका आनंद अज इस खास पेशकश राही माणिया होएगा। वखो वख थावां तों साडे सहयोगी साडे नाल जुड़े, उन्होंने हर तस्वीर साडे तक पहुंचण दी कोशिश कीती। जी, दिवाली जिहड़ा है वो दीवियां दा त्यौहार है, रोशनियां दा त्यौहार है। तो इस बार जो लोग ने बाजारां दे विच रौनक जिहड़ी है वापस परताई, पिछले साल कोविड के कारण रौनक फिक्की जरूर सी, पर इस बार जिहड़ी रौनक है वह खासी जिहड़ी है उन्हां विच परत आई है बाजारां दे विच। बिल्कुल, ये रौनकां इसे तरह बनियां रहण दिवाली दियां, त्यौहारां दियां ते साडे आपसी सुभा दियां, क्योंकि जरूरत के मनुखता नूं असीं याद रखदे होया हर उस गुण की एक बार फिर तो तामील करिए जिसकी सिक्ख्या साडे गुरु पीर पैगंबर सानूं दिंदे रहे ने।